जी जी निकिता की क्या गलती थी, उसने मना कर दिया था। रूपाली की क्या गलती थी जिसका गला काट दिया गया था। अभी अरे चुप हो जा भैया, चुप हो जा माजिद, चुप हो जा। अभी माजिद साहब ने 1985 से लेकर चार किस्से सुनाए जहां हिंदू ने हिंदू का कत्ल किया, मैंने मोटा मोटा जहां हिंदू आदमी ने हिंदू औरत का कत्ल किया। 1985 से लेकर अब तक मैं 140 किस्से सुना सकता हूं जहां मुसलमान ने सड़क पर मुसलमान को मारा। 10 नवंबर को, दो दिन तीन दिन पहले, बरेली में लईक अहमद मारा गया हॉर्न बजाने के चक्कर में, मोहम्मद अली ने मारा। इतनी देर में जो यहां पैनलिस्ट हैं वो गूगल करके देख सकते हैं, 10 नवंबर की घटना है, लईक को मोहम्मद अली ने मारा। तो आज माजिद भाई ये नेशनल टीवी पर बोलेंगे कि आगे जब भी कभी कोई लिंचिंग होगी, कोई हिंदू गुट मुसलमान को मारेगा, तो वो इसमें धर्म नहीं देखेंगे, इसको भी एक सामाजिक बीमारी मान के आगे बढ़ जाएंगे। पहली चीज ये आज आपको मानना पड़ेगा, पहली बात। अब आगे चलते हैं, देखिए जो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है, मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ, बड़ी चैन से बीतेगी। शर्म 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 रिजवान भाई, थोड़ी शर्म करिए, हद कर दी आपने आज, धज्जियां उड़ा दी अपने ईमान की, धज्जियां उड़ा दी आपने आज अपने ईमान की। ये आपकी, ये आपका, आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना, थोड़ा शर्म कीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। खुल गया, पतलून उतर गई, पतलून उतार दी, पतलून उतार दी तुम्हारी दो मिनट में मैंने। देखिए अमीश, तुम्हारी औकात बता दी पूरे देश को, और यहाँ पे बढ़िया बातें ना करें आप पहले। तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी, धर्म से तेरी औकात मैंने पूरे देश को एक सवाल में बता दी। अगर आपको इतनी परेशानी, पूरी तेरी औकात पूरे देश को एक सवाल में बता दी, एक सवाल में कहेंगे तेरी क्या औकात है, दूसरे धर्म तेरी क्या औकात है, देख मैंने बता दिया पूरे देश को। मैं तो आपको, अब सुन ले, अब सुन, अब सुन, अमीश कुरान बोल रहा था, अमीश अरे तेरी पतलून उतर गई यार, अरे तेरा धागा खुल गया, तेरा धागा खोल दिया मैंने, एक मिनट में खोल दिया तेरा धागा। आपकी तेरी भाषा की मर्यादा रखे हर तरफ से, अमीश मैं बोलूं। अच्छा एक 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 देखिए, एक सेकंड मैं आपको माजिद हैदरी, मैं आपको 30 सेकंड का इत्मीनान से मौका दूंगा, आप अपने 20 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए, रिजवान अहमद, फिर माजिद हैदरी और फिर शाहिद अली। जी जी, तो अब सुनिए, अब जो शेर पढ़ा गया था शुरू में उसकी तो धज्जियां उड़ गई मोहब्बत को लेकर, और इसी डिबेट में माजिद ने बोला उत्तराखंड की खबर पर कि कैसे कोई अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी आप उसको रोक सकते हैं कि वो इस्लाम ना कबूले, अभी बोला इस बेशक बोला, 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 5 मिनट पहले। और मेरी बात में तेरी औकात सामने आ गई कि तू भले घने में टाई पहन ले, तेरे दिमाग में ऊंचा पजामा था, है और रहेगा। ओके, अब माजिद हैदरी आपकी बारी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, प्यार तो दो तरफा होगा, फिर हिंदू अगर मुसलमान से करेगा तो मुसलमान हिंदू से भी करेगा, दोनों तरफ का होगा ना, आप एक तरफ का क्यों चाहते हो, उसी में शक पैदा हो जाता है। मैंने एक तरफ की बात नहीं, मैंने बात निकाह की, तो फिर निकाह में क्या बात है, तो फिर अगर निकाह होगा तो साथ फेरे भी होंगे, निकाह करना है कोई चर्च में जाकर भी पड़ेगा, इसमें क्या होगा, जिसकी जो इच्छा होगी वो करेगा, निकाह नहीं होगा। ओ बेशरम कश्मीर के अलगाववादी, ओ कश्मीर के अलगाववादी, आप तो कानून सिर्फ निकाह क्यों होगा, साथ फेरे भी होंगे ना, उसके लिए नहीं आता हूँ। ये देखें ओए ओए करके बात करना, अच्छा ठीक है, मैं एक सेकंड, अरे तुम यहाँ पर अपना घटियापन दिखाने आते हो, एक सेकंड, कितने घटिया, कितने कमीन, कितने अलगाववादी इंसान हो तुम। अच्छा ठीक है, एक सेकंड भाई, देखें भाषा की मर्यादा रखें, मैं निवेदन बार बार कर रहा हूँ, एक सेकंड ऑडियो डाउन है, आप एक सेकंड, लेकिन आपने जो बात बोली माजिद हैदरी, मेरा निवेदन एक है कि आपने जो बात बोली वो बिल्कुल सरल नहीं है, उस बात में कॉम्युनल एजेंडे की साफ तौर पर बू आ रही है। आपने बोला निकाह पढ़ लिया जाएगा, भाई साथ फेरे भी हो सकते हैं, कोई गुरुद्वारे जाकर भी शादी कर सकता है, कोई गिरजाघर जाके यानी चर्च जाके भी शादी कर सकता है, इसमें क्या बात है, निकाह पढ़ा जाएगा।
आप मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू मुसलमान से शादी करेगा या मुसलमान किसी सिख से भी शादी करेगा तो फिर वो निकाह ही पढ़ना होगा, यानी धर्म ही बदलना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप तो डायरेक्टली आफ्ताब को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो डायरेक्टली सुफियान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो डायरेक्टली निकिता के मर्डर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सवाल आप पे उठेगा? अमीश भाई सबसे पहले तो मैं सात शेरों का आदर करता हूँ। ओके, मेरा निवेदन है रिजवान शाह को दीजिए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आप एक बात सुनिए, जब मुसलमान से शादी करनी है उससे निकाह करना है, और निकाह करने की एक ही शर्त है कि दोनों व्यक्ति महिला और पुरुष मुसलमान होने चाहिए। अगर उनमें से एक दूसरे तो निकाह इंपॉर्टेंट है या प्यार इंपॉर्टेंट है? अब रुकिए यार, रुकिए। अभी आपने बोला हिंदू मुसलमान में प्यार होना चाहिए, आपने बोला ना आप प्यार को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं, आप प्यार को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं। कश्मीर बनाना चाहते हैं तो आप एक सेकंड शुभराष्ट्र, वन सेकंड, दिस डिबेट इज ऑन इंटरेस्टिंग पॉइंट। और मेरे साथ सोशल मीडिया पे कई सारे व्यूअर्स हैं जो इस समय देख रहे हैं, व्यूअर्स रिकॉर्ड व्यूअर्स इस समय हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप और 5 मिनट का इंतजार करिए, बहुत बड़ा घटना होने वाली है। लेके आइए जनाब को माजिद हैदरी साहब को। माजिद हैदरी साहब एक बात बताइए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला प्यार महत्वपूर्ण है, आप बताइए प्यार महत्वपूर्ण है या निकाह महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्या है अमीश भाई? प्यार इश्क और मोहब्बत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको हलाल बनाने के लिए निकाह करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यू एक्सपोज योरसेल्फ कंप्लीटली टुडे। ये सुन लीजिए, नॉट एक्सपोज्ड, मैंने आपको सच्चाई बताई। अच्छा, और कोई लड़ने की बात नहीं। अगर हिंदू मुसलमान में रिश्ता बनता है तो आपको आपत्ति किस बात पे है मुझे बताइए? आपत्ति रिजवान 10 सेकंड दिया आपको, 10 सेकंड दिए, प्यार का 10 सेकंड, 10 सेकंड दिए रिजवान अहमद। अमीश भाई 10 सेकंड, इसको रोको। ओके 10 सेकंड, ओके 10 सेकंड रुकिए। अमीश भाई सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग। आइए अमीश भाई आइए कुछ जाहिलों को इस्लाम पढ़ा दूं। इस्लाम में 3 तरह के निकाह होते हैं। निकाह सही होता है जो मुसलमान का मुसलमान से होता है, निकाह बातिल होता है जो मुसलमान जिस आदमी से निकाह कर ही नहीं सकता है, और निकाह फासिद होता है जहां मुसलमान गैर मुसलमान से निकाह कर सकता है और वो औरत अपने मजहब पर चल सकती है। निकाह फासिद। लेकिन इन जाहिलों ने ना इस्लाम पढ़ा है ना शरीयत पढ़ा है, और ये आके डिबेट में आके ओके शाहिद अली भी इंतजार कर रहे हैं। जाहिल इंसान जाके ओके शुभराष्ट्र शाहिद अली ओके रिजवान अहमद, यू मेड योर पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू रिजवान अहमद। मेरा निवेदन है मैं आपके पास वापस आऊंगा रिजवान। माजिद हैदरी, शांत, शुभराष्ट्र, 40 सेकंड शुभराष्ट्र, देन शाहिद अली जी।